हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। तो आपने फ्लेक्सी जेल के बारे में तो सुना होगा, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। मैं ऑलरेडी अपने चेहरे पे 1 वीक तक फ्लेक्सी जेल लगा चुकी हूँ, और उसके बिफोर आफ्टर आपको रिजल्ट देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप बालों पे फ्लेक्सी जेल को लगाते हो तो उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरे बाल को उसने कैसे काम किया, ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो अगर आप भी फ्लेक्सी जेल के बेनिफिट्स जानना चाहते हो, बालों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्लेक्सी जो होता है उसमें होता है ओमेगा 3, विटामिन ई, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन रिलेटेड हेयर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को ये दूर करता है। बालों की बात करूँ तो बालों की ग्रोथ भी अच्छा होता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, फ्रिजी हेयर है, ड्राई है, डैमेज हेयर है, मतलब बालों से रिलेटेड जो भी सारी प्रॉब्लम्स है इसको लगाने से आपके दूर हो जाएंगी। सिर्फ इसको लगाने से ही बेनिफिट्स नहीं मिलते, इसको खाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसको कैसे खाया जाए, तो आप इसको रोस्ट करके खा सकते हो, आप इसको स्मूदी में मिला के या फिर सैलेड में मिला के आप इसको खा सकते हो। अभी कुछ दिनों से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ, तो प्रोडक्ट्स चेंज करती हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट चेंज करने से भी बाल डैमेज हो जाते हैं, जिस कारण मैंने हेयर कट करवाया, क्योंकि बाल लंबे हो गए थे, मैनेज नहीं हो पा रहे थे। बाल लंबे हों पर लंबे हों या ना हो, हेल्दी होने चाहिए, और मुझे लग रहा था मेरे बाल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो मुझे इसको कट करवा लेने चाहिए कम से कम। फिर इस पर काम करना, अपने बालों पर काम करना शुरू करूँगी और बाल पहले जैसे हेल्दी हो जाएँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं फ्लेक्सी जेल यूज़ कर रही हूँ। जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे वो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही मिल गए, मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। एवरी डे बालों पर यूज़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि बालों को वॉश करना थोड़ा झंझट रहता है, तो मैं इसको वीक में 1-2 बार या ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करती हूँ। इसके कैसे रिजल्ट मिले आगे आप वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्लेक्सी जेल बनाया कैसे जाता है। फ्लेक्सी जेल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आप फ्लेक्सी को पानी के साथ बॉईल कर लीजिए, इसको 2-3 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, तो ये जेल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो जेल है इसको आप छान के अलग कर लीजिए। मैं ज़्यादातर ये जो जेल है इसको डायरेक्ट ही बालों पर स्किन पर लगाती हूँ, पर आप चाहें तो आपको जो भी ऑयल सूट करता है, एलोवेरा जेल आप बालों पे यूज़ करते हो, वो चीज़ें इसमें मिक्स कर सकते हो। तो मेरे बाल डैमेज ज़्यादा हैं, तो मैं अभी कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और विटामिन ई का कैप्सूल भी रखा था, तो मैंने इसमें वो मिक्स कर लिया। पर मैं हमेशा इसको डायरेक्ट ही बालों पे लगाती हूँ। आप चाहें तो टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, जो भी एसेंशियल ऑयल्स आपको पसंद है, या फिर आप जो भी करियर ऑयल यूज़ करना चाहते हो, कोकोनट, कैस्टर ऑलिव ऑयल, जो भी आप चाहें वो इसमें मिक्स कर सकते हैं और अपने बालों पर लगा सकते हैं। इसको बालों पर लगाने के लिए आप स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए, और साथ ही साथ लेंथ पे भी इसको अच्छे से लगाइए। स्कैल्प पे आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इसको 30-45 मिनट से ज़्यादा नहीं बालों पर रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बालों पर रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, और ड्राइनेस के कारण आपका हेडेक होने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आप इसको 30-45 मिनट्स तक ही रखिए, इससे ज़्यादा इसको बालों पर रखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इसको वॉश कर दीजिए। वॉश मैं ज़्यादातर नेक्स्ट डे करती हूँ, अगर मुझे उस दिन कहीं नहीं जाना है तो मैं वॉश नहीं करती हूँ, शैम्पू से वॉश नहीं करती हूँ, खाली पानी से वॉश करती हूँ, और अगर कहीं जाना है तो फिर माइल्ड शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपको कहीं बाहर जाना नहीं है तो आप उस दिन सिर्फ पानी से वॉश कीजिए, सुखाने के लिए कोई भी ड्रायर वगैरह का यूज़ नहीं कीजिए, नेचुरल इसको एयर में ही सूखने दीजिए, क्योंकि जब आप ड्रायर वगैरह यूज़ करते हैं तो बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें यूज़ करने से बचिए। मैं कभी ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करो। हाँ, कभी कभी आपको कहीं अर्जेंट जाना होता है तब चलता है, पर ज़्यादातर अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, बाल सूखने में टाइम भी नहीं लगता है, तो ऐसे ही सूखने दीजिए। तो अब मैं बताऊंगी कि इसके रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले। आप देख सकते हो बिफ़ोर आफ्टर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, मैनेजेबल बनाता है, सिल्की बनाएगा,
अगर आपके स्ट्रेट बाल है ना तो ये और भी अच्छे से स्ट्रेट करेगा, वेवी हेयर है तो काफ़ी शाइन प्रोवाइड करेगा, काफ़ी हद तक स्ट्रेट बनाएगा। और आपका कोई भी हेयर टाइप हो, चाहे ऑयली हेयर हो, ड्राई हेयर हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा काम करेगा। फिर आपके कर्ली हेयर हैं, स्ट्रेट हेयर हैं, वेवी हेयर हैं, किसी भी टाइप के हेयर हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बालों की ड्राइनेस को दूर करेगा, फ्रिज फ्री बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। तो इसको बिल्कुल आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बाल टेंगल फ्री भी होंगे, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप मार्केट में बहुत सारे मास्क ट्राई कर करके थक चुके हो, सब कुछ ट्राई कर लिया, बाल फ्रिज फ्री नहीं हो रहे हैं, ड्राइनेस नहीं जा रही है, डैमेज हैं, तो बिल्कुल एक बार इसको यूज़ करके देखिए। वीक में दो बार ज़रूर यूज़ कीजिए, दो नहीं तो एक बार तो करो, तो एक दो महीने में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और अगर आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करते हो तो 15 डेज़ में ही आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके हेयर टेक्सचर में नज़र आएगा। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।